नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। गार्डनिंग विद नीलम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इन फूलों को देखकर आपके भी चेहरे पर मुस्कान आ ही जाती है ना। कोई ऐसा ही होगा जिसको फूलों को देखकर मुस्कान ना आती हो, दिल में खुशी ना होती हो और देखने का मन ना करता हो। मेरी तो ये जान है, बहुत ही प्यारे ये अलमांडा के फूल हैं और ये मैंने नर्सरी से ला करके 2 साल पहले लगाया था और इस समय बहुत अच्छी हाइट पर आ गए हैं। यहीं पर देखें, ये आजकल 2 दिन से हल्का हल्का रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही है, तो मैं ये शेड में रखा था स्पाइडर प्लांट, तो यहाँ मैं बारिश में रख दी हूँ। इनके ये रनर्स हैं, बेबीज़ हैं, इनमें भी रूट निकलनी शुरू हो गई है। और इस तरह से आप इनको निकाल करके अगर किसी गमले में लगा देते हैं तो इस तरह से देखें स्पाइडर प्लांट तैयार हो जाते हैं। मैं एक मदर प्लांट के बेबीज़ से बहुत सारे स्पाइडर प्लांट तैयार कर ली हूँ। और ये हैं देखिए मेरा बीज से लगाया हुआ अडेनियम, और यही पास में छोटा सा एक पौधा है ये बरियार का। बरियार जो पौधा होता है ये पूजा की जाती है, जितिया पूजा होती है, जीवित पुत्री का पूजा, उसमें कुछ ही दिन में आने वाला है, ये 6 अक्टूबर को आएगा। उसी में मैं व्रत रहती हूँ, सभी लोग हम महिलाएं पुत्रों के लंबी उम्र के लिए व्रत रहती हैं, उसकी पूजा की जाती है। और ये देखें यहाँ पर मैंने एक छोटे से पॉट में मटकी है उसमें मनी प्लांट लगा रखा है। तो इस तरह से मैं एक गमले में कई पौधे लगा लेती हूँ और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होती है। छोटे छोटे पौधे होते हैं एक साथ जो है वो कई लगा ले, आप भी लगा लें, क्योंकि पौधे इतने सारे रहते हैं गमले कम ही पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर रियो का प्लांट है और डेवल्स बैकबोन को जो कटिंग से मैं लगाई थी वो है, और डेफिन बैकिया है। और ये देखें ये मेरा डबल पेटल्स गुड़हल का पौधा है। इसकी पत्तियाँ बहुत ही लश ग्रीन है, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही हरी हैं। और इसमें एक बार फ्लावरिंग करने के बाद बिल्कुल सभी पत्ती फूल बिल्कुल नहीं निकलता है, उसके फिर से नई ग्रोथ होती है और फिर कलियां बन रही हैं और फिर फूल खिलेंगे इसमें। ये देखें मोर पंखी का पौधा है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। अब ये धीमे धीमे बढ़ रहा है, ये 6 मंथ हो गए हैं इस प्लांट को लगाए हुए मुझे, और इसकी रिपोर्टिंग मैंने शेयर की है मेरे चैनल पर, इसके बारे में जानकारी आप इसको देखें, इसके बारे में अगर आपको जानना हो। और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर दें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरी कोई भी नई वीडियो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों इस तरह से मेरे ये सब मैंने कटिंग से ही लगाया है। 2 तरह का एक गुड़हल का पौधा है जिसको मैंने कटिंग से लगाया है, बहुत आसानी से लग जाता है। देखें छोटी छोटी इसमें कलियाँ भी बननी शुरू हो गई हैं। तो इस तरह से इन गुड़हल के पौधों की आप कटिंग से बहुत सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देखो क्रोटन का प्लांट है, इसको भी मैंने कटिंग से ही लगाया है। क्रोटन इसकी पत्तियां लंबी हैं, लंबी लंबी होती हैं। क्रोटन कई वैरायटी के आते हैं। क्रोटन प्लांट बहुत ही खूबसूरत होते हैं और कटिंग से लग जाते हैं। और ये देखें ये रात रानी का पौधा है, नाइट जस्मिन जिसे बोलते हैं, इसे मैंने लगाया हुआ है कटिंग से। ये भी बहुत ही अच्छा खुशबू आता है, पतले पतले सफ़ेद फूल होते हैं। तो इस तरह दोस्तों ज़्यादातर मेरी कटिंग जो है प्लांट जो हैं वो कटिंग से ही लगे हुए हैं। और ये चंपा का प्लांट है, प्लूमेरिया, और येलो कलर का इसमें फूल आते हैं, बहुत ही खूबसूरत होता है। और ये भी कटिंग से ही मैं लेकर आई थी पार्क से, वहाँ से इस फिर पौधा 2 साल पहले उसके बड़ा हुआ, उससे फिर बंदरों ने तोड़ दिया, तो मैं इस तरह से कटिंग लगा दी। और ये देखिए इसकी भी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई। अगर इसमें फ्लावर नहीं भी आते हैं तो इसकी पत्तियाँ देखने में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। और ये हैं तुलसी माता, तुलसी माता का भी पौधा है जिसमें हम लोग सुबह शाम पूजा करते हैं, जल चढ़ाते हैं। और ये तुलसी जी बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त होती हैं, और इनके जो मंजरी होती है उनको हटा दें, जिससे की वजह से कि ये और भी घनी हो जाएंगी और पौधा ख़राब नहीं होगा, सूखेगा नहीं। तो इस तरह देखें ये मेरा, ये देखें मोगरा का पौधा है जो कि कटिंग से लगाई थी, ये पूरे ऊपर ग्रिल पे बाउंड्री वॉल पे लगा दिया है मैंने। और यहाँ पर देखें ये मेरे कबाड़ से जुगाड़ का है, ये इन्वर्टर बैटरी का जो गैलन आता है ना, उसी को ऊपर से काट करके मैंने प्लांट लगा दिया, थोड़ा सा पेंट कर दिया है, और रफ टफ पेंट ही है दोस्तों। इस तरह से आप जितने भी ये देख रहे हैं सभी मेरे कोई पेंट के डिब्बे हैं, कोई ऑयल कंटेनर हैं। तो कबाड़ से हम इस्तेमाल करके बहुत ही बढ़िया गार्डनिंग कर सकते हैं, कम खर्चे में गार्डनिंग कर सकते हैं। और इसमें बहुत ही अच्छे जो है प्लांट्स अच्छे से सर्वाइव भी कर पाते हैं। अब इस एरिया में मेरा कोई भी बड़ा जो है प्लांटर सेट नहीं हो पाएगा, इसीलिए छोटे छोटे वेस्ट मटेरियल को मैं ये यूज़ करती हूँ। और लक्ष्मण बूटी में इस समय देखें इस तरह से पिंचिंग कर दें, क्योंकि
कटिंग प्रूनिंग करते रहें जिससे कि नई ग्रोथ होती है तो अच्छे से फ्लावर्स निकलते हैं। अब ये देखें खरपतवार है लेकिन बहुत हाइट पे है, मुझे मिल ही नहीं रहा है। तो यहाँ पे सभी ज़्यादातर मेरे लक्ष्मण बूटी हैं छोटे छोटे डिब्बों में। और ये देखें यहाँ घर पे काम हो रहा है तो इसीलिए सारे प्लांट्स इधर से उधर डिस्टर्ब हैं। ये सारे प्लांट्स एक साथ रखे हुए हैं। ये अलमंडा का प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत है। ये कई कलर के आते हैं अलमंडा। और ये मेरा देखें कितना प्यारा सा खूबसूरत सा फूल है। यहीं पे अपराजिता का है और सिंगार है। ये नींबू का पौधा देखें मेरा ख़राब हो गया है। ऊपर काम थर्ड फ्लोर पर रूम बन रहा है तो इस वजह से वहाँ से जितने भी सीमेंट बालू सब मसाला गिर करके पूरा नींबू का पौधा ख़राब हो गया है। लेकिन अभी वो सही सलामत है तो बस उसकी कटिंग कर दूंगी जिससे कि फिर से नई ग्रोथ हो जाएगी। और घर पे काम होता है तो आसपास बहुत सारे चीज़ें डिस्टर्ब रहती हैं, सारे पौधों को इधर से उधर करना होता है और कुछ कुछ तो ख़राब भी हो गए। अब इसमें देखें ये पूरा इसमें मसाला गिरा हुआ है। अब इसको हटा के फिर से मुझे मिट्टी इसकी बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही अच्छा ग्रोथ किया था लेकिन जब से इस पे सीमेंट बालू गिर गया है तो अच्छी ग्रोथ नहीं कर रहा है, फिर से उसको रिपोर्ट करना पड़ेगा मुझे। अब ये देखें सब इस तरह से यहाँ पे कटिंग करनी पड़ेगी। अब पूरी तरह से काम ख़त्म होगा तभी मैं ये सब काम करूँगी। पूरा ये एरिया भी ये देखें नीचे गंदा हुआ पड़ा है। एक प्लांट में मैं कई प्लांट लगाती हूँ, उसमें ये देखें ये मेहंदी का है और उसी में चांदनी का पौधा है और नीचे स्पाइडर प्लांट लगा हुआ है। अब बहुत सारे स्पाइडर प्लांट्स मैं लगाती रहती हूँ, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। आप एक पौधा ले आएंगे ना उससे बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये देखें कटिंग एक महीने पहले मैंने कटिंग से लगाया था। ये देखें कनेर का पौधा है, एक पिंक कनेर है एक वाइट कनेर है, तो लग गया है लेकिन अभी मैं इसको रिपोर्ट नहीं कर रही हूँ। और ये देखें इसमें एक बेबी रनर्स को लगाने के बाद उसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हुई, मैच्योर हो गया और उसमें भी अब रनर्स निकल रहे हैं, बेबीज़ निकल रहे हैं। तो यहाँ पे भी मेरे सारे वही वेस्ट मटेरियल्स हैं। ये देखें डेवल्स बैकबोन का एक वैरायटी है, कोलियस है, ये न्यू प्लांट मैं ले आई हूँ। दूसरी वैरायटी का है मनी प्लांट, उसको मैं पानी में लगाई हूँ। पानी में बहुत ही आसानी से लग जाता है। अगर आपका मिट्टी में ना लगे ना मनी प्लांट तो आप पानी में लगा लीजिए, लेकिन बाहर रखिए आउटडोर में। ये देखें सफ़ेद विंका है, विंका को ये देसी विंका है, सदाबहार है। और इस तरह से जब आप ऊपर की दो टिप पिंच कर देंगे ना तो वहाँ से नई नई शूट निकलेंगी, नई ब्रांच निकलेगी तो पौधा बहुत ही घना हो जाएगा। ये देखिए मेरा मधुमालती का, इसकी भी मैंने कटिंग कर दी। मधुमालती बहुत तेज़ी से बढ़ती है ऊपर की तरफ, लेकिन घर पे काम होने की वजह से मैं अभी इसको ग्रोथ छोटी ही रखी हूँ, ऊपर तक नहीं ले जा रही हूँ। इसको भी रिपोर्ट ही करना, बहुत जल्दी रूट बाउंड हो जाती है मधुमालती। और ये देखें मैं गई थी कहीं से, वहाँ से मैं गुलाब की कटिंग ला करके लगाई थी एक साल पहले, लेकिन ये देखें ये बिल्कुल जंगली निकल गया। मैं हमेशा इसकी थोड़ी सी ब्रांच लंबी होती तो मैं कटिंग कर देती हूँ, सोचती अब फ्लावर्स आएंगे। येलो कलर का था ये, लेकिन इतनी लंबी इसकी ब्रांच निकल गई है, मतलब इसमें अब फूल नहीं आएंगे। तो मुझे लगता है कि मुझे ये हटा देना चाहिए। अगर आप लोग मुझे कुछ बता सकें तो बताएं इसके बारे में, मैं क्या करूँ, इसमें फूल आएंगे कि नहीं। मुझे तो ये बेकार ही लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि मैं इस जंगली गुलाब का क्या करूं। जंगली था नहीं, हाइब्रिड था, लेकिन कटिंग लगाई तो वो जंगली हो गया, उसमें फूल ही नहीं आ रहे हैं। काफ़ी लंबे टाइम से उसकी कटिंग करती रहती हूं। और ये देखें एक ये प्रॉब्लम भी मेरे हाइब्रिड गुड़हल का है, पिंक कलर का, बहुत ही खूबसूरत फूल है, लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से पत्तियाँ सारी झड़ गई हैं और जो छोटी छोटी हैं जैसे उनमें ग्रोथ ही ना हो रही हो। और ये अडेनियम है, इसमें भी फ्लावर्स नहीं आए हैं। ये साल भर का हो गया मेरा अडेनियम, मैं 20 से लगाई थी। और ये देखिए मेरा सबसे प्यारा खुशबूदार फूल मोगरा का, जैस्मिन का, बहुत ही खुशबू आती है। यहाँ आसपास मैं काम करती हूँ ना तो हारसिंगार है और ये मोगरा है, इन सब की रात रानी है, इन सब की पौधों की इतनी अच्छी खुशबू आती है, बहुत मज़ा आता है गार्डनिंग करने में, काम करने में थकान नहीं महसूस होती है, भीनी भीनी खुशबू रहती है। ये डेफिन बेकिया के प्लांट्स मेरे पास बहुत सारे हैं, मुझे बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये इंडोर आउटडोर दोनों ही रह जाते हैं और ये कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। मेरे चैनल पे इसकी पूरी वीडियो है, इसकी पूरी डिटेल्स है, आप लोग ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों ये देखें यहाँ पर सिंगोनियम को मैंने इस तरह से हैंगिंग प्लांटर में लगाया था,
और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हुई है, इतना तो पॉट में लगाया है मैंने नीचे, मतलब सीमेंट के गमले में, उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं हुई है। यहाँ पर इसको इनडायरेक्ट सनलाइट मिलती है, और ये देखिए इनकी सारी रूट्स कितनी अच्छी हुई हैं, ग्रोथ कितनी अच्छी हुई है। और ऊपर मैंने मनी प्लांट है, और ये टर्टल वाइन है, और वो चार्ली का है प्लांट, ये सभी वेस्ट मटेरियल्स में ही लगे हुए हैं। और ये सभी प्लांट बहुत ही हार्डी होते हैं, परमानेंट होते हैं, आप आराम से कटिंग से लगा सकते हैं। और ये मनी प्लांट तो मेरा फेवरेट ही है। और ये देखें कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में काट करके लगाया हुआ है और हैंग किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत ग्रोथ है। ये कई साल इसी में ऐसे ही लगा हुआ है, मैंने तो मिट्टी भी इसकी नहीं बदली है, खाद कभी कभी दे देती हूँ लिक्विड खाद। तो इस तरह से स्पाइडर प्लांट ये वाला मेरा गल गया है थोड़ा सा। तो हमेशा कुछ न कुछ दोस्तों काम लगा ही रहता है गार्डनिंग के, आप सभी तो करते ही होंगे। और सुबह 1 से 2 घंटे लगाने के बाद भी जैसे लगता है कि अभी तो कुछ काम ही नहीं हुआ है। ये देखें वंडरिंग जीव है, ये भी बहुत ही खूबसूरत पत्ती वाला पौधा होता है। इसको अगर आप सनलाइट में रखते हैं तो इसका अलग शेड हो जाता है पत्तियों का, और सेमी शेड में रखते हैं तो उसका अलग होता है। ये मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगता है हैंगिंग प्लांटर में। मुझे बहुत सारे काम हैंगिंग के कराने हैं, ग्रिल कराना है, सब पाइप लगानी है, ताकि मुझे बहुत अच्छे लगते हैं हैंगिंग प्लांटर्स में सारे प्लांट, और स्पेस भी नहीं लेते हैं, नीचे का एरिया आपका फ्री रहता है। ये है स्नेक प्लांट, वेरीगेटेड स्नेक प्लांट है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है, एयर प्योरीफायर है। और ये देखें ये तो मैंने DIY करके, मतलब एक पाइप थी उसी पे मैंने जूट की बोरी लपेट दी और इस तरह से इस पे मनी प्लांट लगा दिया। बहुत ही ऊंची हाइट का है ये, और इसकी पत्तियों की ग्रोथ देखिए बहुत ही ज़्यादा होती है। और इसका कारण जानते हैं, इस पे मैं वाटर स्प्रे करती रहती हूँ हमेशा। और यहाँ पे एक छोटी सी आधे लीटर के, 1 लीटर के कंटेनर में ये मेरा मनी प्लांट पानी में लगा हुआ, ड्रेसिना का, और भी यहाँ सारे स्पाइडर प्लांट्स हैं। देखें रियो का प्लांट है, रियो बहुत ही आसानी से लग जाता है। और ये सारे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में मेरे मनी प्लांट है, 3 लेयर की मैंने बनाई है मनी प्लांट की बॉटल, वो स्पाइडर प्लांट का कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में, ये भी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल में ही लगाया है। इसको मैंने रिपोर्ट किया था करीब 10 दिन पहले, इसकी वीडियो होगी आप ज़रूर देखिएगा। पूरा प्लांट ये ख़राब हो जाता है कुछ टाइम के बाद, तो फिर से इसको रिपोर्ट करके लगा देंगे ना, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। साल में एक बार तो इसको रिपोर्ट करना ही चाहिए, इसकी सारी जो ब्रांचेस होती हैं वो ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं, सूखनी शुरू हो जाती हैं। अब ये फिर इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ पकड़ लिया है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये। यहाँ पर मैंने देखें स्पाइडर प्लांट की वेरीगेटेड वैरायटी का भी है, और ये कटिंग से भी लगाया हुआ है, डिफिनबेकिया की सब वैरायटी है, सब प्लांट्स हैं। स्नेक प्लांट मेरे पास बहुत ज़्यादा है, स्नेक प्लांट बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट होता है, एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। और ये चाइनीज़ एवरग्रीन है, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, बहुत आसानी से लग जाता है। टर्टल वाइन तो मेरा फेवरेट है, कहीं कहीं भी लगा दीजिए ना, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए मैंने एक वेस्ट मटेरियल था, 2 पार्ट में करके मैंने कंटेनर को काट दिया था ऑयल का, और इस नीचे ऊपर वाले पार्ट पे मैंने ये टर्टल वाइन लगा दिया, और डिफिनबेकिया की छोटी सी कटिंग थी उसको लगा दिया, तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हो गई है। सेमी शेड में ही रखा हुआ है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है। इस तरह से मैं बहुत सारे चीज़ों में छोटे छोटे प्लांट्स लगा देती हूँ। ये देखें टर्टल वाइन है, टैंगल हार्ट है, ये देखें एलोवेरा देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। स्पाइडर प्लांट तो मेरे पास बहुत ही ज़्यादा है, लगाती रहती हूँ। और इस तरह से सारे मेरे वेस्ट मटेरियल्स में है। ये मनी प्लांट है पानी में लगा हुआ, पानी में भी मैंने बहुत अच्छे से लगाया हुआ, ग्रोथ हो रही है। टर्टल वाइन है, और किसी भी प्लांट के नीचे मैं टर्टल वाइन, टैंगल हार्ट और चार्ली का प्लांट लगा देती हूँ, जिससे कि वो नीचे नीचे पूरा अच्छे से ग्रोथ कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपका मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय फ्रेंड्स।